बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण तुपेड़ गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ग्रामीणों के उपजाऊ खेत मलबे में तब्दील हो गए तथा पेड़ गिरने से गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने तथा गांव में हुए नुकसान का सर्वे कराने तथा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। सर, ये घटना इससे पहले 4 दिन पहले भी ऐसी इधर ही जाती बादल फटा था। कल रात की बात है, करीब 1:30 बजे लगभग 10 बजे से बारिश शुरू हुई थी। 1:30 बजे ये पूरा मंदिर ये पत्थर सीढ़ी के पेड़ में देखा होगा, इधर से लेके और नीचे रोड तक। अगर ये आज रात को यही बारिश होती है तो ये पत्थर ये पानी का रुख होता है इन दाहिने तक के खेतों में, ये सीधा पॉपुलर के पेड़ या टूनी के पेड़ जाते हैं तो वो आधे गांव को पूरे को सीधा इधर जाएगा। आगे अभी ये अशोक प्रेस वाला बोल रहा था कि मैंने पटवारी जी को और कंट्रोल रूम में सबको फोन कर दिया है, न लाइट है यहाँ, बिजली रोड ब्लॉक है, लाइट ये पंचायत घर के पास पेड़ गिरा है बोलते हैं। एक तो ऐसा बारिश का मौसम लाइट बंद तो हम गांव वाले भागे भी तो कहाँ भागे। ये कल रात 11:30 बजे के बीच की बात है, यहाँ पे बादल फटा है ऊपर, ग्राम पंचायत के ऊपर सिराने में बादल फटा है। ये लाटू मंदिर गधेरा तुपेड़ का है, जहाँ से हमारी पेयजल योजना, स्कूल जाने के रास्ते, सारे लिंक रास्ते इसी से कॉन्टेक्ट हैं ये, और ये नहर भी हमारी यहाँ से एक निकलती थी ये वाली, और ये सारी चीज़ें हमारी ये जो है ध्वस्त हुई है। ये अभी हम लोगों ने आपको दिखाया तुबेड़ ग्राम पंचायत में, यहाँ लाडू देवता मंदिर के सामने जो गधेरा है वहाँ कल रात 11 बजे बादल फटा है, और वैसे जान माल की माँ भगवती की असीम कृपा से तो कुछ भी नहीं हुआ, बट लेकिन 50 लाख का कम से कम नुकसान, वहाँ पर जो चेक डैम थे, दीवारें थे, वो टूट चुकी है। और यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ पर ये तार जो पूरे ग्राम पंचायत में यहाँ से तार गया है, इसके ऊपर पेड़ गिरा है, और अभी तक कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है, और गांव में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, पानी नहीं है। और मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि आप जब भी ये दैहिक आपदा की स्थिति जब गांव वाले फोन करते हैं टाइम समय पर आया करें। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।